हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साहब क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? तुम्हारी बहन काजल भाग गई। नाइस भाई, जब उसे तूने कमरे में बंद किया था तो वो कैसे निकल गई? पता नहीं कैसे निकल गई साहब, भागते हुए नामालूम कहां को जा रही थी। सिपाही जाने दो उसे, अगर वो यहां से जा रही है तो जाने दो, आज के बाद वो मेरी बहन नहीं तो हमारे लिए मर गई है। कि तुम इसी वक्त जाओ, रियासत में ऐलान कर दो। किस बात का? बात कैसी है कि महाराज और उसका जो वो सपुत्र है करण सिंह, उन दोनों की कल सुबह 10:10 पे खरी दरबार फांसी होगी। फांसी होगी। और जो भी शख्स फांसी देखना चाहता है वो आकर फांसी घर में देख सकता है। और इसके साथ साथ ऐलान करने के बाद वो साला सिपाही कहां गया रे? सिपाही तो जब महाराज को गिरफ्तार किया और उसके बेटे को गिरफ्तार किया उसी जगह भाग गया था। हम सारे उसे क्यों छोड़ दिया? हम कहा नहीं, हम कही तुम्हारे पार्टी में है वो साला, हमको लगता है महाराज की पार्टी में था। वो साला जासूस बन गया है। तुम ऐलान करने के बाद जाओ महारानी दुर्गावती के पास और दुर्गावती जहाँ कहीं मिलती है उसे घसीट कर हमारी चमक लेकर आओ। जब तक कि हम रतन सिंह के परिवार का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे मैं चल रहा हूं। मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, शाही दरबार का ऐलान यह है कि महामंत्री जी ने महाराज व उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और जिनकी फांसी कल 10:10 पर होगी। जो भी फांसी देखना चाहता है समय से पहले फांसी घर पहुंचे, महाराज व उनके बेटे की फांसी देख सकता है। राजमाता, राजमाता बहुत गजब हो गया राजमाता। बेटा। हाँ राजमाता। क्यों इतना रो रहे हो, क्यों घबराए हो, बात क्या है? राजमाता, मंत्री कुंदन सिंह ने महाराज को धोखे से कैद करवा लिया है और महाराज को ही नहीं आपके जिगर के टुकड़े राजकुमार करण सिंह को भी गिरफ्तार करवा लिया है और ऐलान करवा दिया है राजमाता कि कल सुबह 10:10 पर महाराज व महाराज के बेटे करण सिंह की फांसी होगी। और राजमाता, आपको गिरफ्तार करवाने के लिए हुक्म दे दिया है। मेरी राजमाता, मैं छुप कर ये बात सुनकर आप तक ये खबर बताने के लिए आया हूँ। आप जितनी जल्द हो सके आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं आपके भी जान को खतरा हो सकता है। माता जी, आप यहाँ से निकल जाएं। सिपाही, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जाओ, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। राजमाता, आप मेरी गलती को क्षमा करना। जाओ बेटा। या भगवान, आज मेरे स्वामी जी को और मेरे बेटे को वो कमीना कुंदन सिंह फांसी देने जा रहा है और ये बेचारा सिपाही मेरी हिफाजत के लिए छुप कर मुझसे बताने आया है। अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं वो कमीना मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। बहन, बहन उठिए, बहन उठिए,
उठिए। या भगवान, ये क्या देख रही हूँ, ये तो वही पागल है जो हमें बियाबान जंगल में मिली थी, अचानक ये यहाँ पे। बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अचानक भाग रही थी, मैं तुम्हें देख ना पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बहन, मुझे माफ कर दीजिए। तू कहाँ भागती हुई जा रही थी? इसका मतलब आज तेरी वजह से तो मैं ठीक हो गई हूँ। इसका मतलब कल आपका पागलपन ठीक हो गया? आप ठीक हो गई हैं? मेरी ये हालत, ये सब कुछ, बहन गंदे गंदे कपड़े, बहन हमें ये बताइए कि आपकी ये हालत कैसे हुई, आप किस कारण पागल हुई, आपको कौन सा ऐसा सदमा हो गया जो आप दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, एक पागल बन गई हैं? क्या हुआ आपके साथ में बहन, बोलिए ना। बहन, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। बोलिए बहन। मेरे गोद में मेरा भाई था। हाँ। और मैं अपने भाई को लेकर के बियाबान जंगल में आराम कर रही थी तो? और उसी जंगल में मेरे भाई को एक शेर उठा ले गया। शेर? और उसी शेर का पीछा करते 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 बहुत दूर तक पहुंची। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी उस शेर के मुकाबला करने के लिए, मेरे भाई को शेर उठा ले गया। मेरे भाई को मुझे लगता है कि शेर ने मार डाला बस अपने भाई के लिए। मैं आज मेरी ये हालत हुई, मैं पागल हो गई थी। या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ, बहन के भाई को किसी बियाबान जंगल में किसी शेर ने इनको भाई को इनके गोद से छीन लिया, और ये बात तो मेरे भैया भी कहते थे कि वो हरामी का औलाद है। मेरे पूछने पर मेरे भैया ने बताया कि करण को बियाबान जंगल में महाराज पाए हैं। बहन, तुम जानना चाहती हो कि मैं किस कारण भाग रही थी? बहन, मैं एक करण नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, और बहन आज उसकी फांसी होने वाली है। मेरे भैया कहते हैं कि वो महाराज का बेटा नहीं है, उसको महाराज बियाबान जंगल में शेर के मुंह से बचाए हैं। आज उनकी फांसी होने वाली है बहन। हाँ बहन, शेर के मुंह से? हाँ, शेर के मुंह से बचाया है महाराज जी ने। ऐसा तो नहीं कहीं मेरा भाई ना हो? बहन, अगर बियाबान जंगल में शेर के मुंह से बचाए हैं महाराज, तो जरूर मेरा भाई हो सकता है। मेरे भैया ऐसा ही कहते थे। मेरे भाई को शेर उठा के ले गया था। बहन, देर मत कीजिए बहन, अन्यथा बहुत गजब हो जाएगा। चलिए बहन, उन्हें बचा लीजिए बहन। अगर ऐसी बात है तो ले चल, मैं अपने भाई को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। देर मत कीजिए, भगवान के लिए भाई को जीते जी कुछ नहीं होने दूंगी। ले चल बहन। चलिए बहन। या भगवान, आज मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मेरे जिंदगी के सहारा के लिए थी, और मेरा बेटा मेरी जिंदगी के सहारा के लिए था, आज उसे भी मंत्री कुंदन सिंह ने कैद कर लिया, और मेरे स्वामी जी को
अब मैं कहाँ को जाऊँ, किसके सहारे रहूँ, किसे जाकर अपनी फरियाद को सुनाऊँ? मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। या मेरे मालिक, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया बेटी बोलो। किसको सुनाऊँ हाल दिले में करार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजारी का। ये काश भूल जाऊँ मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठाता जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया बेटी पूनम, बेटी पूनम, साथियों। सरदार जी, ये कौन औरत है जो इस बियाबान जंगल के रास्ते में पड़ी है? उठाओ उसे। तो लगता है बेहोश पड़ी हुई है। ओ माता जी, माता जी, ये तो महारानी जी है। नहीं, 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 तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? घबराओ नहीं महारानी जी, मैं इस बीघड़ का खूखार डाकू ज्वाला सिंह। डाकू ज्वाला सिंह बेटा, और बताओ तुम्हें क्या हुआ राज माता? तुम्हें क्या हुआ राज माता? सर पे कैसा ढाया विधाता? क्या जब सर पे ढाया है कैसे विधाता? बियाबान जंगल में कैसे पड़ी हो? यहाँ संग में कोई नजर नहीं आता। यहाँ संग में कोई नजर मेरे आता।
महारानी जी इस दिया बान जंगल में कैसे तन्हा पड़ी हो, जिसे महलों में रहना चाहिए वो आज जंगलों की खाक छान रही हो, क्यों नहीं बताओ? बेटा ज्वाला सिंह क्या बताऊं, मेरी जग मेरी बात जब सुनोगे तो तुम्हारे जमीन के नीचे की मिट्टी खिसक जाएगी। बेटा क्या परेशानी महारानी जी? दिया गम जो रब ने किसे जा बताऊं। जो रब ने किसे जा बताऊं, भटकती फिरू मैं किधर को ले जाऊं, भटकती फिरू मैं किधर को ले जाऊं। कैद पति और बेटे को मेरे, बेटा ज्वाला सिंह किया कैद पति और बेटे को मेरे, फजर होगी फांसी किसे जा सुनाऊं, अगर होगी फांसी किसे जा सुनाऊं। बेटा ज्वाला सिंह मेरी बेटी पूनम इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मेरे जिगर का टुकड़ा था मेरी जिंदगी की सहारा के लिए, उस कमीने कुंदन सिंह ने मेरे सुहाग को और मेरे बेटे को फांसी जेल में डाल दिया। कल सुबह 10:10 पे मेरे बेटे और मेरे स्वामी जी की फांसी होगी, मेरा मदद देने वाला कोई नहीं है, ये सब जानकर तुम क्या करोगे? महाराज जी तुम ना घबराओ अपने जिगर दरमिया, तुम ना घबराओ अपने जिगर दरमिया, जाके नफत को मैं बचा लूंगा फिर, उसकी औकात क्या जुल्म उन पर करे और मौत का झूला उसको झूला दूंगा फिर। महाराज जी आप घबराए नहीं, आप हवेली जाएं, कुंदन सिंह के पाप का घड़ा भर चुका है, क्यों नहीं और वो घड़ा शीघ्र ही फूटने वाला है। अब आप हवेली जाएं, 10:10 से पहले ये डाकू ज्वाला सिंह हवेली आएगा और आपके पति को और आपके बेटे को अवश्य बचाऊंगा। नहीं नहीं बेटा ज्वाला सिंह, तुम नहीं जानते हो वो कमीना कुंदन सिंह, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी जान से मार देगा, क्योंकि मेरा वफादार सिपाही चुरा कर छुप कर मुझसे बताने आया कि राजमाता यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो कमीना कुंदन सिंह तुम्हें भी फांसी पे चढ़ा देगा, अगर मैं वहां जाऊंगी तो वो कमीना मुझे भी मार देगा। महारानी जी आप मुझ पर विश्वास करें, मैं जुबान दे रहा हूँ, कुंदन सिंह की क्या औकात है कि
आपके मां के सिंदूर को मिटा दे या आपके औलाद को मिटा दे, वक्त से पहले ये डाकू ज्वाला सिंह हवेली के अंदर आएगा और तुम्हारे पति और बच्चे को मौत के मुंह से बचाऊंगा। बेटा ज्वाला सिंह, आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने पति और बेटे को बचाने के लिए राजमहल जाऊंगी। क्यों ना मुझे हंसते हंसते फांसी पे चढ़ना पड़े, मैं शौक से चढ़ जाऊंगी। लेकिन अपने सुहाग को और अपने जिगर के टुकड़े को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। जाओ महारानी जी, जाइए महारानी जी। सरदार जी, कुंदन सिंह का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कौन है? और उसका अंत मेरे हाथों होना है। क्यों नहीं सरदार जी? तुम लोग वक्त से पहले रतनपुर रियासत के अंदर महाराज की हवेली को चलकर चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ घेरवाए लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो, बम लगा दो। कोई सर उठाने की कोशिश करता है तुरंत गोलियों का निशाना बनेगा। तैयार हो जाओ। तैयार हम लोग। जय मां भवानी के। जय मां भवानी के। ओम श्री भवानी के।